हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बारिश के पानी में कितना टीडीएस है वो चेक करेंगे। क्या आपको पता है बारिश के पानी में कितना टीडीएस होता है? आप यहाँ पर देखिए, बारिश हो रहा है, बारिश दिख रहा है। तो मैं इसके लिए यूज करने वाला हूँ ये जो है MI का TDS टेस्टर मशीन। इसमें हम लोग को TDS पता चल जाएगा कितना है। तो चलते हैं, बारिश का पानी को कलेक्ट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कितना TDS है इसमें। इसमें जो है सैंपल चेक कलेक्ट हो रहा है, देखते हैं भरने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सैंपल है मैंने रखा था करीब 15 से 20 मिनट और वहाँ से ये कलेक्ट होके आ गया है। तो अभी इसको चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जीरो है, ये जीरो पे है। तो इसको इसमें डुबाते हैं तो पता चलेगा एक्चुअल में TDS कितना है। कि बारिश का पानी में 40 ppm का TDS है। इसका मतलब कि ये पानी आप पी सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मिनरल नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिनरल इसमें नहीं है, ऑलमोस्ट प्योर पानी है। और जो आपको एक्वाफिना, बिस्लेरी ये सब में यूज करते हैं, इसमें भी इसको प्योरीफाई करके 50 ppm के आसपास ही उन लोग का TDS रहता है। तो ये बैटरी में डालने के लिए अच्छा पानी है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो कलेक्ट करेंगे आप प्लास्टिक में कलेक्ट करेंगे, ना कि कोई भी मेटल चीज़ का बर्तन में आप कलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप ये पानी को डाल सकते हैं, लेकिन आधा घंटा बारिश होने के बाद ही आप डालेंगे, क्योंकि हमारा जो एटमोसफियर में मॉइस्चर रहता है और जो डस्ट रहता है वो आपको पानी में आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहता है बैटरी के लिए।